ठीक है, क्या चल रहे हो भाइयों, स्वागत है माइनक्राफ्ट के कौन है खतरनाक एपिसोड में। तो आज का वीडियो और बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं क्रिएटिव सीरीज का एक नया एपिसोड। और मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव सीरीज का वेट करते रहते हो, तो लो भाई आ चुका है क्रिएटिव सीरीज का एक और मस्त वाला एपिसोड। और आज हमारे साथ भाई संस्कारी गेमर भी है, तो मैंने संस्कारी गेमर को बुला लिया था, क्योंकि क्रिएटिव सीरीज में ना थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। तो ये रहा भाई संस्कारी गेमर, इधर उधर घूम रहे देखो। तो आज हम लोग क्रिएटिव सीरीज में एकदम खतरनाक से एक हाउस बनाएंगे, एक क्यूब हाउस, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त और बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल बनाए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मुझे एक चीज बता देना, कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्रिएटिव सीरीज में क्या बनानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बड़ा सा कासल बनाऊ, पर फिर भी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे कुछ आइडियाज आ जाएंगे, जिससे क्या होगा मैं नई नई चीजें और अच्छे से बना सकता हूँ। तो कमेंट करो फटाफट से और बताओ कि मुझे नेक्स्ट क्या बनाना चाहिए। बाकी फटाफट से चलते हैं हम लोग क्यूब हाउस बनाने। तो क्यूब हाउस कहाँ पे बनाए, एक मिनट पहले जगह देख लेते हैं। ये तो अपनी ट्रेन है, ट्रेन तो नहीं बनाई, कहाँ पे बनाए इसको हम लोग? ट्रेडेंट हाउस के पास बनाए क्या? ये ट्रेडेंट जो है यहाँ पे बना लेते हैं, ये जगह काफी सही क्लियर। कौन सी? ये वाली यहाँ पे। हाँ तो अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग क्यूब हाउस, और काफी ज्यादा प्यारा और काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। और तुम लोगों को नहीं पता है क्यूब क्या है, तो भाई जाओ गूगल कर लो, बचपन में हम लोग उससे खेलते थे, काफी ज्यादा मजा आता था और उससे दिमाग भी तेज हो जाता था, ऐसा कहते हैं, पता नहीं बाकी यार, मैंने भी उससे खेला है बचपन में। तो फटाफट से बनाते, उसके लिए मेरे को ना चाहिए वाइट कुछ स्टोन चाहिए, वाइट कॉन्क्रीट ले लेता हूँ। ये नहीं है, ये क्या है, स्नो बॉल है, ये ब्लॉक ऑफ कर्ट्स। मैं काम करते ना, इस बार डिजाइन वाला यूज करते हैं। किधर गया ये रहा वाइट कंक्रीट, और मैं वाइट कंक्रीट के साथ साथ ना थोड़े डिज़ाइन वाले पत्थर लेने वाला हूँ साथ साथ में, इससे क्या होगा और ज़्यादा सही वाला डिज़ाइन है। ओके, तो मैं इन सब का यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं, तू उधर से बना लाइन, मैं यहाँ से बनाता हूँ। सेवन की बनानी है पहले तो, सेवन की तो नीचे से स्टार्ट करते हैं किसी अच्छे से, इससे ये सही है। चार पाँच छः सात, क्या ले रखा है ये? कॉर्ड्स पिलर है ये। ओके, कित सात का बना दिया मैंने, सात के ऊपर इसके ऊपर जाना है। तो गई सबसे पहले हम लोग को इसे एक लेयर में ऊपर करना है, इतना काफ़ी सही रहेगा। मैं इसको फिल करता हूँ, तू फिल कर दे इसको पूरा, इसको उससे करेंगे ना ग्लास से। तो पहले बना लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर ग्लास से, क्या पहले इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा और बड़ा करते हैं, छोटा हो रहा है ये। मैं ऊपर से करता हूँ, रुक इतना बड़ा ठीक है गाइस, ये हम लोग इसको फिल कर देते हैं। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे क्यूब का डिज़ाइन मैंने बना लिया, और अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, और अभी ये बन के पूरा रेडी नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को ऐसे पांच बॉक्स और बनाने, ये अभी एक बनाए, और पांचों बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो अभी हम लोग को काम क्या करना है, इसमें चारों तरफ ग्लासेस लगाने हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से किसी भी तरीके ग्लास लगा लेंगे। मैं यहाँ पे ना ब्लू ग्लासेस लगा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी इसे मैं चारों तरफ पहले ग्लासेस लगा लेता हूँ। अभी लगाऊंगा? हाँ तू भी लगा, बिल्कुल लगा, तभी तो तेरे को क्या है काम करवाने के लिए, मजदूरों की तरह। तो ब्लू, हाँ बिल्कुल मजदूरी करवा रहे थे उससे। पहले देखो यहाँ पे हम लोग ब्लू लगाएंगे, फिर देखते हैं अलग अलग जैसे जैसे बॉक्सेस बनेंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्लासेस लगा देंगे अलग अलग कलर के। तुम लोग जैसा भी बनाओ अपने हिसाब से ग्लासेस लगा सकते हो। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत गलत ग्लासेस लगा दे रहा हूँ मैं इधर उधर, मुझे देखो मैं कितना सीधा सीधा सही लगा रहा हूँ। तुझे काम करने की आदत है ना, हमें अच्छे से आदत नहीं है ऐसे ग्लास लगाने की। लो जैसी बोला वैसी गलत लग गया, मैं तो हवा में लगा देता हूँ। अरे ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है, चारों तरफ पूरा ग्लास से कवर कर देना है इसे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा लगने के बाद ये। होगी तो गाइस अभी हम लोगों ने इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है ग्लास से, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी मैं काम करता हूँ, हम लोग ऊपर से भी कर देंगे, ऊपर से तो हम लोग को इसको कवर करना है। मैं कहता हूँ वाइट कॉन्क्रीट से हम लोग इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को सेम ऐसे ही चार पाँच बॉक्स और बनाने से क्या होगा इसका डिज़ाइन और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो फटाफट से इसको कवर कर देते हैं, एंड जो ये क्यू हाउस बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक इसका आइडिया होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला बनने के बाद। अंदर का मैं इंटीरियर भी बनाऊंगा बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से, मतलब पूरा अच्छे से। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं उसका पूरा का पूरा कवर कर देता हूँ छत। मुझे बंद कर दिया था अभी, अब कोई नहीं बाहर निकल जा आराम से। कहाँ अभी कहाँ डाल रहा है छत पे ये? अरे
क्योंकि तो गाइस अभी हमारा यहाँ पे एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है, ग्लासेस लगा दिए हैं ऊपर से, अच्छे से छत से कवर कर दिया है। अभी हम लोग को काम क्या करना है, इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही बनाना है। तो तीन चार ब्लॉक हम लोग छोड़ के बनाने वाले हैं, एक दो तीन यहाँ से बना है, तो चार ब्लॉक छोड़ के हम लोग अपने हिसाब से आइडिया से बना रहे हैं। मतलब हम लोग गिन नहीं रहे हैं इसको, जितना ज़्यादा बड़ा बनेगा उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं ऊपर की साइड बनाता हूँ, तो आगे की साइड बना दे। ओके, तो इतनी इसकी हाइट सही रहेगी। अगर मेरे को छोटा लगेगा तो मैं इसको और बड़ा कर दूंगा। ओके, तो हम लोगों ने इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया एंड पीछे तक भी हम लोग इसको कवर कर देते हैं अच्छे से, मतलब ले जाते हैं पीछे तक, पूरा बॉक्स बना देते हैं। होगी तो गाइस हम लोगों ने ऊपर वाले बॉक्स का डिज़ाइन भी बना लिया। ऊपर वाला बॉक्स थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नीचे वाला थोड़ा छोटा लग रहा है। एंड इसके ऊपर तीन चार और बनेंगे, वो थोड़े से और बड़े बनाऊंगा जिससे और ज़्यादा सही लगे। बाकी अपना मजदूर देखो काम करने में लगा पड़ा है, हमें बस इसको ऑर्डर देना, ये करता रहेगा। देखो सारे तो मैं काम करता हूँ। हाँ, ग्लास निकाल देता हूँ फटाफट से, एक मिनट रुको। ग्लास हम लोग ले लेते हैं, ग्लास और किसी कलर के लेंगे तो सही रहेगा। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ रेड कलर के लगाते हैं, रेड कलर वाले ग्लास ले ले, रेड वाले लगाते हैं इस वाले में। इसमें लगाने में ग्लास बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि और ज़्यादा बड़ा है। मैं पूरे में अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ, पहले पूरा ग्लास व्लास लगा लेता हूँ, उसके बाद गाइस तुम लोग को दिखाते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई ग्लास लगाने में। तो एंड मैं सोच रहा हूँ इसमें ना एकदम यूनिक चीज़ें बनाऊँ, और ये रोड वोड है जो डर्ट पूरी हटा के ना रोड डाल देता हूँ पूरे में, अच्छे से पूरी सिटी बनाने की सोच रहा हूँ। तो तुम लोग को क्या लगता है मुझे ज़रूर बता देना यार कमेंट करके कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स तो करते हैं, तो कमेंट करके बताते रहा करो यार। होगी तो गाइस अभी हमारा दूसरा ब्लॉक भी रेडी हो चुका है, एंड हम लोगों ने नीचे ब्लू कलर का ग्लास लगाया था, ऊपर रेड कलर का लगाया है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड दोनों के ना साइज़ थोड़े छोटे बड़े हो गए। एंड ये तीसरा वाला ब्लॉक बन रहा है जो यहाँ पे सन्नी बना रहा है, मतलब संस्कारी जो बना रहा है यहाँ पे तीसरा ब्लॉक बन रहा है। तो तब तक मैं एक काम करता हूँ ना, ऊपर का इसको पूरा का पूरा कवर कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी छत भी कवर करनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी एक और बॉक्स ऐसे ही बनेगा। एंड अभी दो तो बन चुके हैं, टोटल हम लोग को अभी तीन और बनाने, मतलब टोटल पाँच हो जाएंगे बनने के बाद। और जब पाँच बन जाएंगे ना, उसके बाद मैं थोड़ा अंदर से इसको डेकोरेट कर दूंगा। अभी इसका गेट भी बना रहा है, तो जो सबसे नीचे बना है उसके वहाँ से मेरे को एक गेट निकालना है जिससे अंदर एंटर करूँगा मैं घर के अंदर। और ये पूरा का पूरा ना घर बनने वाला है, तो सब मेरा सीढ़ियाँ भी बना दूंगा, मतलब हर एक ब्लॉक के अंदर जाने की, जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ हर एक बॉक्स के अंदर जाने की सीढ़ियाँ भी बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये दो बन चुके हैं, एंड एक यहाँ पे बना रहा है, और ये वाला छोटा लग रहा है थोड़ा, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बड़ा करना पड़ेगा इसको। हाँ थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसको, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। चार ब्लॉक लगाए ऊपर करके देख, मैं देखता हूँ आगे से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। होगी तो गाइस अभी यहाँ से ये बन चुका है, पर मेरे को लग रहा है ना यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एक ब्लॉक ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये क्या, दो दो ब्लॉक कम कर दिए मैंने ऊपर से, ऊपर ऊपर तो ऊपर से थोड़ा बड़ा कर। अरे एक करा, दो करा है, दो करे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा इसको, दो एक यहाँ से करते हैं। एक ही करो, एक ही करो, एक ही, तू नीचे वाला तोड़ दे। तो इसको ऐसे यहाँ से पूरा कवर करना है, एंड पीछे तक इसका पूरा बॉक्स बनाना है। ओके, तो हो चुका है, एंड पीछे चलते हैं। सही हो रहा है? हाँ अब ठीक है। चल मैं पीछे से लेके आता हूँ। तो इसको पूरा पीछे से हम लोग को कवर कर देना, मतलब जैसे हम लोग बॉक्स बना रहे हैं ना, फिर से हम लोग को ये वाला भी बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके, तो ये वाला भी बॉक्स बन चुका है इसके पीछे। रुक जा यार, इसके पीछे भी तो पिलर बनाना है। ओके तो गाइस यहाँ पे भी हम लोगों ने एक और बॉक्स बना लिया है इसके साथ में, तो दो बन चुके थे, एक और बन चुका है। एंड यहाँ पे भी ग्लास लगाना है, तो मैं फिर से ग्लास से सर्च कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग कौन से ग्लास लगाए, कौन से लगा, येल्लो कलर वाले लगाते हैं, सही लग रहा है। येल्लो लगाए या फिर ये वाला ग्रीन लगाए, कौन से लगाए, लेम वाले लगा, रुक जाओ, येल्लो लगाओ, येल्लो। तो येलो वाले ग्लासेस यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, येलो देखते हैं कैसा लगता है। ग्लास लगाने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बॉक्सेस बनाने में उतना टाइम नहीं लग रहा है, पर ग्लास बनाने लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। रेड के साथ येलो वैसा सही भी लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ
होगी। तो गाइस जो हमारा तीसरा क्यूब था वो भी बन के रेडी हो चुका है, मतलब तीसरा जो बॉक्स था वो भी हम लोगों ने बना लिया है। तो इसे येलो कलर का बनाया, इसे रेड एंड इसे ब्लू कलर का बनाया, एंड सबका साइज ना थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। तो वैसे ना हम लोग को सेम साइज़ का बनाना था, पर मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं, छोटे बड़े साइज के हो रहे हैं, ये भी काफ़ी अलग लगेगा। और अंदर देखो, अंदर ज़ॉम्बी और स्केलेटन, इनकी बैंड बतानी पड़ेगी रुको, अंदर पड़े हैं। हाँ मैं बता के आता हूँ रुको इनको, भाई ये अंदर क्या कर रहे हैं, इस मिनट रुको, नेदर वाली शॉर्ट लेता हूँ, इनकी बैंड बजाता हूँ इनकी। अबे अंदर क्या, घर बना दी, ये देख रहे हो भाई, घर पे कब्जा करने पहले आ रहे हैं, घर पे कब्जा करने पहले आ गए ये लोग, हद है यार। मेरे को ना नीचे का डोर भी बनाना है, तू जा ऊपर का काम कर, मैं नीचे का डोर बना देता हूँ। पहले मेरे को करना पड़ेगा डर्ट, यहाँ लेके डर्ट में लगा देता हूँ। एक काम करते ना, अंदर का फ्लोर डालता हूँ, मेरे तक फ्लोर डाल दो अंदर, मैं डालता हूँ वाइट कॉन्क्रीट से डालता हूँ, या फिर मैं कारपेट से डालता हूँ ना मस्त एकदम। कारपेट से डालता हूँ एकदम मस्त डलेगा। पहले बाहर से मैं देखता हूँ गेट कहाँ से बनेगा इसका। तो गाइस हम लोग को ना इसका गेट भी बनाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर पहले उड़ता हूँ, एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ से इसको तोड़ा जाए। ओके तो गेट बनाने के लिए पहले मेरे को इसको पूरा ग्लास को ऊपर तक मैं लगा दूँ, ताकि पता लगे मुझे कि कहाँ तक का गेट बनने वाला है। इसको यहाँ लगा दो, तो गेट कहाँ से सही रहेगा, ये सही रहेगा यहाँ से। ओके तो गेट के डिज़ाइन ये काफ़ी सही रहेगा, इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको भी यहाँ लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे ग्लास लगा देता हूँ। और गेट ना मैं आयरन डोर ही लगाने वाला हूँ, आयरन डोर मेरे को सही लगेगा, आयरन डोर यहाँ पे लगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। एक काम करता हूँ मैं डोर, इसमें डोर ले लेता हूँ पहले, और आयरन डोर के साथ हम लोग को बटन भी चाहिए होंगे, या फिर प्रेशर प्लेट बटन सही रहेंगे। बटन ले लो, तो बटन मैं लेता हूँ ये कलर वाले, और इस कलर का एक और यहाँ पर लगाता हूँ, एंड एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ, और अंदर के साइड भी बटन लगा देता हूँ। ओके एंड ये वाला बटन यहाँ लगा दो, बहुत सही हो गई। तो गाइस यहाँ पे डोर बन चुका है, पर ये वाला ना डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है डोर का, तो मैं इसके जगह ना ये लगाता हूँ, ये सही लग रहा है डोर में, ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड नीचे के साइड भी थोड़े ब्लॉक लगा देता हूँ, पूरा अच्छे से डेकोरेट करना है इसे। एंड साइड साइड में ना मैं थोड़े मतलब फूल वूल भी उगा दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड फैंस भी लगाने से नीचे तक ऊपर का काम कर रहा है, मैंने इसको समझा दिया कि क्या क्या काम करना है, तो ये ऊपर का काम कर रहा है, जब तक मैं साइड से थोड़ा और डेकोरेट कर देता हूँ। और मैंने यहाँ बार्स लगाने की देखता हूँ, बार्स कैसी लगेंगी, बार लगा के देख लेता हूँ। ओके तो ये भी काफ़ी सही लग रही है यार, वैसे इतनी बेकार नहीं लग रही है, काफ़ी सही लग रही है। काम करता हूँ साइड साइड में ना पूरा मतलब एक पार्क टाइप का, मतलब पार्क नहीं गार्डन टाइप का एक बना देता हूँ। मेरा तो हो गया काम, जल्दी करो। मैंने यहाँ पे गार्डन बना रहा हूँ, तो मैं मेरे को चाहिए बोन मील, बोन मील कहाँ रहता है ये रहा। एक मिनट रुको यार, फूल ही उगाते हैं ना, बोन मील की ज़रूरत क्या है, फूल उगाएंगे तो और सही लगेगा। फूल कहाँ, इसी के अंदर होते हैं, ये रहे एंड ये रहे और ये रहे। तो गाइस फूल लगाने के बाद और ज़्यादा सही लगेगा ये, क्योंकि काफ़ी सही लग रहा है। काम करता हूँ ना ये वाले भी, रेड वाले आगे लगाता हूँ, और इसके साथ एक ए और एक रेड वाला, एंड एक ये और फिर रेड वाला, ये सही लगेगा। और इसको साइड से लगा देता हूँ ऐसे करके, ये पूरा ना भर देता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि ये भी काफ़ी सही लग रहा है अगर पूरे में लगा देता हूँ तो। ओके तो कुछ इस तरीके का लगेगा फ्रंट से तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड साइड में भी सनी ने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ पे ग्लासेस लगाते हैं, तो यहाँ पे किसी और कलर के ग्लासेस लगाएंगे, यहाँ पे काम करते हैं इसके लगाते हैं। कौन सा ग्रीन लगाएं, क्या ग्रीन या फिर लगा। ना, लगाते हैं, लाइम लगाते हैं, रुक जाओ ये साइज देख लूँ इसमें, एक मिनट रुको। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एक मिनट चल करके देखते हैं, अगर थोड़ा बड़ा लगेगा तो कम कर देंगे।
तो गाइस ये इसका चौथा बॉक्स है, तो इसको फटाफट से हम लोग को कवर करना है। और अभी ना मुझको ना चारों के चारों बॉक्स तक ना सीढ़ियाँ बनानी, जिससे क्या होगा कि हम लोग एक नीचे से एंटर करेंगे एंड घर में कहीं भी जा सकते हैं। देखो अगर तुम लोग चाहो ना तो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में इसको मॉडर्न हाउस की तरह बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। क्योंकि देखो मॉडर्न हाउस के डिज़ाइन ना सारे के सारे सेम हो चुके हैं, तो अगर तुम एक ऐसा मॉडर्न हाउस बनाते हो जो क्यूब के जैसा है, एकदम यूनिक डिज़ाइन होगा और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगेगा, तो तुम ऐसा बना सकते हो। तो फटाफट से पहले मैं ग्लासेस लगा देता हूँ, तो ये इस साइड से लगा रहा है, तो मैं यहाँ से ग्लास लगा देता हूँ। ग्लासेस लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम हो रहा है। होगी तो गाइस हम लोगों का जो चौथा बॉक्स था वो भी बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो फटाफट से इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। एंड यहाँ ना चारों तरफ भाई जॉम्बी स्केलेटन घूम रहे, भाई समझ में नहीं आ रहा है इतने जॉम्बी स्केलेटन आ कहाँ से रहे भाई, पूरे में जॉम्बी स्केलेटन ही मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो, वो देखो, अच्छा तूने मार भी दिया उन्हें जाके, मेरे को वहाँ पे घूम रहे चारों तरफ, इधर से उधर घूम रहे। तो फटाफट से मैं इसको कवर कर देता हूँ, और आगे से भी मेरे को इसका डिज़ाइन बनाना है। होगी तो गाइस ये भी हमारा चौथा बॉक्स भी बनके रेडी हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा सही। एंड अंदर देख रहे हो एंडरमैन भी अंदर भाई, एक मिनट रुको, इनकी बैंड बजा के आता हूँ मैं, मैं जा रहा हूँ इनको सबको मार के आता हूँ, एक सेकंड रुको, मुझे तोड़ना पड़ेगा अगर मैं अंदर जाता हूँ। वैसे हम लोग को तोड़ना ही, अगर इधर से इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ तो बनानी पड़ेंगी एंड गेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं डोर लगाऊँ ना, यहाँ पे मैं दूसरा कोई डोर लगाता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला डोर लगाता हूँ, ये वाला डोर काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा, काम करता हूँ। एंड यहाँ पे भी तोड़ के और डोर लगा दें, दो डोर, ओके बहुत सही। और इनको मैं अभी बताता हूँ नेदर शॉर्ट का है, तो ये अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, तो उसको भी मैं अभी बताता हूँ, निकल यहाँ से, भाग गया, निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, स्केलेटन निकल, निकल हड्डी यहाँ से, देख रहे हो भाई कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, अभी पूरा बना भी नहीं है, कहाँ गया ये एंडरमैन, कहाँ चला गया, अच्छा अंदर, अबे एक अंदर एक बाहर, निकल यहाँ से, निकल, भाग गया भाग गया भाग गया। देख रहे हो इन लोगों ने तो भाई आफत ही मचा रखी, कितने सारे आ रखे हैं यहाँ पे, को भी अच्छे से कवर कर देते पूरा ना, अभी बेड वगैरह भी डालना पड़ेगा, लाइट वाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ना अंधेरा हो रहा है इसी वजह से आ रहा है, अंधेरा तो हो नहीं रहा है, दिन ही हो रहा है, आ क्यों रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात है, अभी मैं चारों तरफ ना लाइटें वगैरह लगा दूंगा अच्छे से, इधर से ये स्पॉन ना हो। और हर एक क्यूब में जाने के लिए हम लोग को रास्ता बनाना पड़ेगा, मतलब गेट बनाना पड़ेगा एक तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये बन चुका है, एंड यहाँ पे मैं स्लैब लगा लेता हूँ, तो स्लैब मेरे को चाहिए, स्लैब भी मैं लगा देता हूँ, स्लैब इसकी लगा देता हूँ मैं, ओके तो यहाँ से हम लोग इधर जा सकते हैं। एंड यहाँ पे तो मुझे पूरी की पूरी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, ओके कुछ इस तरीके से, बहुत सही, काफ़ी सही बन गया। यहाँ साइड में काम करते हैं ना, साइड में क्यों ना ग्लास लगाए ना, साइड में मैं लगाता हूँ ये वाले पिलर ही लगा देता हूँ, ओके बहुत सही। यहाँ पे भी ऊपर रहने देते हैं, ऊपर ऐसे सही रहेगा गाइस, ऊपर से ऐसे सही लग रहा है। तो एक ये वाला रूम बन चुका है हमारे, टोटल बहुत सारे रूम इस वाले घर में बन जाएंगे। एंड इस साइड में मेरे को जाना है, तो इधर जाने के लिए मैं कहाँ से तोड़ूँ, एक काम करते ना, इधर जाने के लिए हम लोग तोड़ते हैं इधर पीछे से, बहुत सही। तो यहाँ पे भी मुझे एक मिनट रुको, स्लैब लगानी पड़ेगी जाने के लिए, बहुत सही। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ गेट बन जाएगा, यहाँ पे मैं गेट नहीं लगा रहा, ओके तो मेरे को इसको भी कवर करना है, इसको भी मैं कवर कर देता हूँ जल्दी से, इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से कवर कर देंगे पूरा अंदर से ना। मेरे को अभी कारपेट वगैरह भी डालना है, अच्छे से डेकोरेट कर दूंगा ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है ये मेरे को। कारपेट डालोगे क्या अंदर? हाँ मैंने देखो ये कर दिया, फ्लोर लगा दिया, कंक्रीट लगा, चल कोई बात नहीं, नीचे फ्लोर लगा दे कोई बात नहीं है, ऊपर ऊपर मैं थोड़ा बहुत करता हूँ ना। यहाँ पे इधर से गेट बन जाएगा, या फिर मैं यहाँ एक गेट लगा ही देता हूँ, काम करता हूँ, देखता हूँ लगा कैसा लगेगा, छोड़ो बिना गेट के ही सही लग रहा है। अभी मेरे को ना ऊपर के साइड जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनानी पड़ेंगी ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आने के लिए भी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, तो मैं काम करता हूँ ना, यहाँ से भी तोड़ के नीचे चलते हैं पहले, ओके अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो पहले मैं बाहर चलता हूँ, ओके ऊपर से आया मैं सीढ़ियाँ बना के, ओके तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एंड अभी ऊपर का हिस्सा बनाना है, तो एक काम कर, तू ऊपर का बॉक्स बना, बाकी मैं अंदर जाके इंटीरियर बना देता हूँ अंदर का। तो मेरे को ना ऐसे सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाले ऊपर वाला लास्ट वाला बॉक्स बना दे यहाँ पे मेरे को, एक सेकंड रुको,
मैं क्या लगाऊँ वहाँ पे, स्टेयर्स लगाऊँ या कुछ और लगाऊँ? स्टेयर्स लगा के देखते हैं, चलो पहले स्टेयर्स लगा के देखते हैं। इसी कलर में है क्या? और भी बहुत सारे कलर्स में तो हैं। ओके पहले ना स्टेयर्स ही लगा के देखते हैं, ठीक है? ये वाली स्टेयर सही रहेंगी, तो इसको लगा के देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है ये, काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पूरी की पूरी एक दीवार बनानी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ जल्दी जल्दी से पहले स्टेयर्स लगा के देखता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। ओके तो गाइस अभी यहाँ की स्टेयर्स मैंने बना लिए हैं, और स्टेयर्स बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है ये, बहुत ही। अभी मैंने इसको क्यों तोड़ दिया भाई, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लगाओ। एंड जितना भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्लॉक लगाए हैं, सारे के सारे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हटा देता हूँ। ओके तो कुछ इस तरीके की लग रही है, ऊपर चलते हैं फटाफट यहाँ से। ओ तेरी क्या ही स्पीड से हम लोग ऊपर आए। तो एक मिनट रुको, यहाँ पे वाइट कॉन्क्रीट लगाओ पहले। ओके तो अभी हमारा एक रूम बन के रेडी हो चुका है, तो मैं काम करता हूँ ना इस वाले रूम में ना पहले बेड वगैरह डाल देता हूँ। पहले तो इसको यार कवर ही नहीं किया, इसको पहले कवर कर दूँ मैं यहाँ से। तो अभी बेड बाद में डालूंगा, पहले मैं बाहर जाके पहले स्ट्रक्चर देख लेता हूँ उसका। तो यहाँ से भी सीढ़ियाँ बना दिया, यहाँ से भी सीढ़ियाँ बना दिया। सबसे ज़्यादा मेहनत तो भाई इसके इंटीरियर बनाने में ही लगने वाली है। ओके देख लेता हूँ पहले मैं। ओके थोड़ा सा इसको लंबा कर, थोड़ा छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा हो रहा है, सबसे छोटा बन जाएगा नहीं तो। ये इसको थोड़ा बड़ा करिए, इसका साइज ना लंबाई इसकी हो रही है, चौड़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी तेरे को। दोनों साइड से एक एक ब्लॉक, दोनों साइड से बड़ा करना पड़ेगा। हाँ इधर से दो ब्लॉक इधर और एक दो ब्लॉक इधर। मैं बाकी अंदर का करता हूँ, और इसके अंदर कोई पर्पल कलर का है, कोई ग्लास लगा देना, ठीक है? और भाई ये ज़ॉम्बी आ गए फिर से। गाइस मैं ना लाइटें लगा देता हूँ यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि ये वाले जो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो स्टोन वगैरह मतलब जो यूज़ कर रखे इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्या पता। पहले मैं ना पूरा फ्लोर डाल देता हूँ, इसे डालने के बाद और ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा है यार ये तो बनने के बाद, सही में बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मतलब कुछ भी कहो यार, चीज़ें मस्त बनाता हूँ मैं, तुम लोग को क्या लगता है बताओ कमेंट करके। तो मैं लांटेन सर्च करने वाला हूँ यहाँ पे, सारी तरीके की लांटेन यूज़ करेंगे हम लोग, हर एक तरीके की। तो मैंने सन्नी को समझा दिया कि उसको क्या काम करना है, बाकी मैं फटाफट से इसका इंटीरियर पूरा डेकोरेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए ना सबसे पहले मेरे को, एक सेकेंड रुको, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार ऊपर के साइड इसको ऐसे लगाया जाए थोड़ा डिज़ाइन से। एक आगे, ओके तो काफ़ी सही लग रहा है, और हम लोग इसके ऊपर ही लगा सकते हैं ना, बहुत सही। तो अलग ही लेवल का सीन भाई, क्या ही प्यारा लग रहा है, देखो बहुत ही ज़्यादा सही। अरे इसको गलत लगा दिया मैंने, यहाँ लगाना था। एंड इसको ना यहाँ लगाते हैं, ये वाली लगाते हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड नीचे के साइड में ना मैं एक एक ब्लॉक लगाने वाला हूँ, इससे और ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, और जो स्केलेटन वगैरह आ रहे हैं ना वो आना बंद हो जाएंगे। एक ही की सही है, ज़्यादा लगाना बेकार रहेगा। यहाँ दो लगा दे क्या, इसको पूरा कवर ही, इसको एक ही रहने दो, इस एक ही सही रहेगा। और बाकी यहाँ पे लगा देते हैं इसको, बहुत सही। बाकी ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है, नीचे काफ़ी सही हो गया गाइस। अभी ऊपर का हम लोग काम कर लेते हैं, जो हम लोग को ऊपर का काम करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग बेडरूम बनाने वाले हैं एक बड़ा सा। तो उसके लिए मेरे को बेड चाहिए, तो बेड मैं यूज़ करने वाला हूँ पिंक कलर का। मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर नहीं है, बस सोचना तुम लोग, पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर एंड रेड कलर। तो पहले मैं बेड डाल दूंगा, तो बेड हम लोग डालेंगे यहाँ पे, ठीक है? एंड दो ही सही है, दो सही है, ज़्यादा सही नहीं है। एंड स्लैब चाहिए मेरे को, पहले लांटेन लगा ले लेता हूँ मैं। तो वो लांटेन मेरे को बहुत सारी चाहिए, इसके एक आसपास, बहुत ही सही। एंड मुझे कारपेट भी चाहिए, कारपेट मैं ले लेता हूँ ये वाला, वाइट तो नहीं चाहिए, ब्लैक एंड रेड। तो एक काम करते हैं ना, ब्लैक यहाँ लगाते हैं एंड रेड यहाँ लगाते हैं, एक रेड यहाँ पे और एक ब्लैक यहाँ पे और दो पिंक यहाँ पे, बहुत सही, एकदम शाही जैसा लग रहा है, शाही शाही बेड, मतलब ख़तरनाक ही चीज़। तो ये वाला डिज़ाइन बेड का काफ़ी सही लग रहा है। ज़्यादा मैं कारपेट नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा लगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा कारपेट यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये लगा दो जिससे थोड़ी रोशनी रहेगी रूम के अंदर हर एक कोने में। एंड जो मैं ऊपर का झूमर जैसा बना रहा हूँ उसको बना देता हूँ यहाँ पे भी, एक एक ब्लॉक आगे
बहुत सही। एंड इसके अंदर पहले बीच में मैं लगाता हूँ, ओके तो अभी हमारा एक रूम बन के पूरा रेडी हो चुका है। सेम ऐसे हम लोग और भी यहाँ पे रूम बनाने वाले हैं। मुझे पता है बहुत बड़ा रूम है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी प्यारा और काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले नहीं है। सेम यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरीके की लाइटें वगैरह लगा देंगे। इस वाले रूम में कुछ भी नहीं करेंगे, ये रूम ऐसे ही खुला रहेगा। बाकी हम लोग अपनी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी हमारी काम की चीज़ें हैं। तो इसको ना काम करते हैं, इस वाले को ऐसे करके कर देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा यहाँ पर लगेगा। एंड बीच में एक लगा दो, ओके तो गाइस ये वाला हम लोगों ने तैयार कर लिया। एंड सेम ऐसे में काम करता हूँ, जल्दी जल्दी से पहले बाकी के रूम भी डेकोरेट कर लेता हूँ। बाहर से भी मुझे इसे और अच्छे से डेकोरेट करना, अभी काम की नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको, इसको मेरे को तो थोड़ा पास लगाना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूंगा। एंड बाहर से भी मैं इसे और अच्छे से डेकोरेट करूंगा। आप लोग देख रहे हो लाइटें भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड सनी ने ऊपर का भी बना दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी ये ना पूरा का पूरा क्यूब का डिज़ाइन तो बन के रेडी हो गया है, पर अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह रह गया, मतलब जो अंदर इंटीरियर वगैरह बनाऊंगा। आगे से थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, तो वो भी चीज़ रह गई है। तो मैं काम करता हूं, पहले ना मैं अंदर का पूरा इंटीरियर तैयार कर लेता हूं, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूं। होगी तो गाइस अभी हमारा क्यूब हाउस बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस ये है अपना क्यूब हाउस, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब इसको बनाने में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा हुई, पर लग भी बहुत ज़्यादा प्यारा। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक यहाँ पे सील आंटेन और लगाना था ऐसे करके, तो मैंने चारों तरफ सील आंटेन इसलिए लगा दिया, जिससे क्या होगा जब रात होगी ना तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। मतलब रात में तो अलग ही लगेगा। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ज़ॉम्बी क्रीपर इतने ज़्यादा आ क्यों रहे हैं। देख रहे हो घर के अंदर भी इतने सारे घुसे पड़े हैं, पर हम ना टॉर्चेस वगैरह यहाँ नहीं लगेंगे, टॉर्च बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, इसलिए मैंने लांटेन लगाई। मैं एक बार आपको टूर करा देता हूँ पूरे अंदर का, कि इंटीरियर मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, पर मैं तुम्हें तुम लोग को दिखा देता हूँ। देखो तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा रूम खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऊपर के साइड एक मैंने लगा दिया सी लांटेन यहाँ पे, और लांटेन लगा दिए यहाँ पे भी रख दिए हैं, और यहाँ से जाती हैं सीढ़ियाँ सीधे ऊपर के लिए। अगर ऊपर जाए तो यहाँ तुम लोग को खाली रूम मिलेगा, कुछ भी नहीं है। एंड इस वाले रूम में तुम लोग को थोड़ा सा अलग वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना रखा है, यहाँ पे मैंने एक बेड डाल रखा, मतलब दो यहाँ पे बेड पड़े हैं। और अगर इस वाले रूम में जाए तो ये हमारा पर्सनल रूम बना रखा है हमने, ये देखो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी हैं। अगर हम लोग चाहें तो नीचे वाले रूम को स्टोरेज टाइप का बना सकते हैं, क्राफ्टिंग टेबल जितनी भी काम की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे बेड डाल दिया, एंड इससे ऊपर भी एक रूम है, तो बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। यहाँ मैंने स्क्रैप होल्डिंग लगा दी है, जिससे हम लोग आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ भी ना इतनी ज़्यादा सही नहीं लगती हैं। अब ऊपर चलो ऊपर, ओके हम लोग ऊपर यहाँ से आ चुके हैं। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे गेट लगाना है, और यहाँ ज़ॉम्बी भी है, तो मैं ज़ॉम्बी को खत्म कर देता हूँ। ताकि अभी मैंने यहाँ पे कोई बेड वगैरह नहीं डाला, ओके कि ये भी यहाँ निकल निकल यहाँ से निकल निकल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी है। बाकी मैंने तुम लोग को दिन में तो दिखा दिया, अभी रात करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रात में ये कैसा लगता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी सी बार्स आगे के और डिज़ाइन के तरीके से लगाई जाएँ। एंड यहाँ पे ना लांटेन भी मुझे लगता है और लगानी चाहिए, तो लांटेन के लिए मैं ये वाली लांटेन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ। एंड पहले तो ना बाहर से सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ अच्छे से बनाया जाए, इसके ऊपर लगाया जाए, ओके कुछ इस तरीके से, ओके ये तो कैसी लग रही है। एंड इसके ऊपर मैं लांटेन लगाने की सोच रहा हूँ, लगती है क्या इसमें, ओके इस पर नहीं लगती है। बाकी ये भी काफ़ी सही लग रहा है, मतलब काफ़ी सही डिज़ाइन दे रहा है। इधर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा लेता हूँ, मतलब पूरा का पूरा रास्ता बना लेता हूँ, ओके बहुत सही। एंड मेरे को एक और काम करना है, मेरे को बोन मिल चाहिए, बोन मिल से भी करके देख लेते हैं कि कैसा डिज़ाइन आता है। अगर हम लोग यहाँ पे घास उगा दे घर के आसपास साइड में तो कैसी लगेगी, बहुत सही। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन आ रहा है सामने से घास वास का, बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। साइड में भी ऐसी काम करते, साइड में भी थोड़ी सी घास उगा देता हूँ जो काफ़ी सही लगेंगी। इससे क्या होगा काफ़ी मतलब गार्डन टाइप का बन गया, जो बीच में तो फूल उगे हुए हैं एंड साइड में जो घासें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और अरे अरे मेरे को यहाँ पर डर्ट लगानी पड़ेगी, एक सेकंड रुको, बहुत सही। तो काफ़ी सही डिज़ाइन लग रहा है। थोड़े लांटेन वगैरह मैं यहाँ पे और रख देता हूँ, ओके यहाँ पे रख देता हूँ थोड़े लांटेन, एंड ये वाले लांटेन यहाँ पे रख देता हूँ, बहुत सही। तो बहुत ही सही है, हमारा पूरा कमरा क्यूब हाउस बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बार रात करता हूँ, रात करके तुम्हें दिखाता हूँ कि रात में ये कैसा लग रहा है। ओके तो गाइस अभी रात हो चुकी है, और रात में अपना क्यूब हाउस देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देख रहे हो हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट बनी हुई है। एंड जो सील आंटेन है उससे जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो तो अलग ही लेवल का लग रहा है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सही। हर एक चीज़ मेरे को ना बहुत ही सही लग रही है, मतलब बहुत ही सही मेहनत करके बनाई है। तो अंदर चलते हैं फटाफट से, पहले ये देखो भाई, मुझे नहीं पता बाहर क्रीपर ज़ॉम्बी इतने क्यों आ रखे हैं। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग विलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं काम करता हूँ फटाफट से, हम लोग पहले ऊपर की साइड चल रहे हैं यहाँ से, एक सेकेंड भाई ऊपर चल लो, अरे 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 ओके तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और मैं सबसे ऊपर यहाँ पे जाने वाला हूँ, यहाँ पे
तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को भाई हमारा ये वाला घर कैसा लगा, मतलब ये वाला हमारा जो घर हम लोगों ने बनाया क्यूब हाउस, ये तुम लोग को कैसा लगा। बाकी आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके शुरू बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल बनाए हो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।